The illiterate of the 21st century will not be those who can't read and write, but those who can't learn, unlearn and relearn. एल्विन टॉफलर के इस थॉट के साथ स्वागत है आपका मेरे शो किरण में। हालांकि हम सभी जिंदगी में जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, एज एन इंडिविजुअल इवोल्व होते हैं, लेकिन लर्निंग लेवल और हम किस घटना से या किसी व्यक्ति से उम्र के किस पड़ाव पर क्या सीख पाते हैं, ये अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग अनुभव रहते हैं। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता से पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और ऑनेस्टी सीखी, तो टीचर्स से अच्छा पढ़ने लिखने की प्रेरणा भी पाई। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें रास बिहारी बोस, सरीखे क्रांतिकारियों से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शहीदों की जीवनियां पढ़ाई। मिडिल स्कूल में आते आते तक रामायण व महाभारत दोनों कई बार कहानी के रूप में पढ़ने को मिले। उन्हीं से ही मुझे अपने संस्कृति और धर्म का ज्ञान मिला। मुझे महाभारत की कहानी तो इतनी पसंद आई कि मैं राजा दुष्यंत से लेकर परीक्षित तक का फैमिली चार्ट बना लेती थी सेवन्थ क्लास में। हाई स्कूल में भी मुझे अपने स्कूल की किताबों से ज़्यादा अपने भाई की हिंदी इंग्लिश की स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती। कॉलेज आते आते तक मुझे नॉवेल्स में बड़ी दिलचस्पी होने लगी। मेरे दोनों भाई मुझे अच्छी पुस्तकें ला कर देते और क्योंकि मेरी पढ़ने की स्पीड अच्छी थी तो मैं 2-3 दिन में उपन्यास ख़त्म कर लेती। मेरे फादर ने भी हमें बचपन से ही न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डाली, तो वो एक एडवांटेज था कि मुझे देश विदेश की जानकारी रहती। फिर अपनी नौकरी में ट्रैवलिंग के दौरान भी मैं किताबें पढ़ती। इन्हीं किताबों से ही शायद ज़िंदगी के प्रति और इंसानियत के प्रति भी एक खूबसूरत रवैया बना। देश विदेश की संस्कृति और भूगोल की जानकारी के साथ साथ जेंडर इश्यूज़ पर भी एक समझ बनी। जेंडर इश्यूज़ चाहे रामायण या महाभारत काल के हों या आधुनिक समय की, उन पर अपनी बेबाक राय रखने की समझ अलग अलग युग के विषय में लिखने वाले ऑथर्स से बनी। अफगानिस्तान की महिलाओं की हालत खालिद हुसैनी के नॉवल से, अमेरिकन मेडिकल हिस्ट्री के दौरान महिलाओं के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नथनिल हॉथॉर्न से, 20वीं सदी की भारतीय महिलाओं की स्थिति मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़कर पाई। अगर मैं इस सब में प्रताप सोमवंशी जी के नाटक लोई चली कबीरा संघ का जिक्र नहीं करूँगी तो मुझे लगता है कि महिलाओं पर लिखने वाले साहित्य की बात अधूरी रहेगी। लोई चली कबीरा संघ एक उस महिला की कहानी है जिसमें कबीर जी को कबीर गुरु बनाने का महिला का योगदान पता चलता है। उनका जिक्र ना करना उस महिला समाज के प्रति अन्याय होगा जहां पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का गुणगान करते हुए इतिहास व साहित्य लिखा जाता रहा है। 21वीं सदी में महिलाओं की उन्नति और उनके विरुद्ध अपराध अपने आप में समाज की तस्वीर के दो अलग अलग पहलू हैं, जिन्हें जानना व समझना वो भी एक लर्निंग ही है। आज जब मैं उम्र की गोल्डन जुबली की दहलीज पर खड़ी हूँ तो लगता है वाकई पुस्तकों जैसा रिश्ता किसी और मीडिया से बन ही नहीं सकता। हम आज जो भी हैं उसमें कुछ उन पढ़ी हुई पुस्तकों और लेखकों का योगदान है। सोशल मीडिया के युग में शॉर्ट पोस्ट, शॉर्ट न्यूज़ के चलते हमारे अटेंशन स्पैन भी कम हो रहे हैं, लेकिन लर्निंग में जो भूमिका पुस्तकों की रही है उसका स्थान कोई भी मीडियम, कोई भी फॉर्मेट नहीं ले सकता। अपनी सीख और अपने अनुभवों का साथ फिर से जिक्र करूँगी अगली मुलाकात में, अगले अंक में। तब तक नमस्कार। नमस्कार। इधर महामारी की खबरें, उधर है युद्धों संहार, कहीं संबंधों की दरकन, नकाबों का चढ़ा बाजार। इस अंधेरे युग की परतें आज हटाने आई हूँ मैं। किरण हूँ उम्मीदों की, दिया जलाने आई हूँ मैं। हूँ एक प्रोफेसर, रिसर्चर और ब्रॉडकास्टर। चाहती हूँ समानता हो जहाँ में, ना कोई भेद हो वर्ण में, धर्म में, न लिंग में। बातें होंगी आप सबसे नई, कुछ बातों का मतलब
कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?